जीटी शिक्षा प्लस उच्च विद्यालय बनिया डी से आप लोग आप तमाम बच्चों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को 11वीं कक्षा का प्रथम चैप्टर जो भूगोल एक विषय के रूप में है जिसका शीर्षक है आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है भूगोल एक विषय के रूप में इसका आप लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी तक बच्चों आप लोग माध्यमिक स्तर तक भूगोल जो है भूगोल को सामाजिक विज्ञान का एक घटक के रूप में अभी तक हम लोग अध्ययन करते आ रहे थे। जैसा कि जानते हैं कि हम लोग का सिलेबस में जो झारखंड बोर्ड का सिलेबस है उसमें 6 से लेकर 10 तक आप लोग पढ़ चुके हैं और भूगोल की जो है पढ़ाई जो है 6 क्लास से होती है तो वहां से और 10th क्लास तक हम लोग इसका जो बेसिक टर्म होता है भूगोल का उससे हम लोग अवगत हुए। आगे हम इससे आगे हम अध्ययन करेंगे और यहाँ पर हम जानेंगे कि भूगोल जो है एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसका विकास किया गया है और इसका हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर भूगोल एक विषय के रूप में इसको हम कई एक सेक्शन में बांट करके सब सेक्शन में बांट करके हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा सेक्शन होगा इसमें तो भूगोल क्या है, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि भूगोल क्या है, भूगोल क्या है इसके बारे में जानेंगे। एक सामान्य परिचय के तहत ही आ जाएगा कि भूगोल क्या है, फिर भूगोल का बच्चों हम उसका सामान्य क्या अर्थ होता है भूगोल का उसके बारे में जानेंगे। फिर क्या पृथ्वी की आकृति गोलाकार है या कुछ और विशेष प्रकार की है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो है जानेंगे कि भूगोल जो है भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, फिर उसकी कुछ परिभाषाएं विद्वान के द्वारा दी गई है तो उन विद्वानों को कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषा है उसका भी हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे ताकि भूगोल की विषय वस्तु स्पष्ट उसकी तस्वीर हम लोग के सामने नजर आ सके। फिर इसी के तहत हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भूगोल जो है भूगोल का विकास किस तरह से हुआ है, क्या भूगोल का विकास प्राचीन समय से हो रहा है या उसका विकास आधुनिक काल में हुआ है। तो एक संक्षिप्त जो है यहाँ पर हम जानकारी देंगे कि भूगोल का विकास किस तरह से हुआ है। फिर हम आगे पढ़ेंगे बच्चों कि भूगोल में बहुत सारी विचारधाराएं दी गई है जैसे संभववाद है, निश्चयवाद है, संभववाद है और निश्चयवाद, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा विचारधारा को भी पढ़ेंगे। फिर जो है क्या भूगोल जो है एक वैज्ञानिक विषय है कि नहीं या अन्य सामाजिक विज्ञान की विषयों की भांति है या जो है इसमें वैज्ञानिकता का गुण है कि नहीं इस विषय में तो हम देखेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि एक भूगोलवेत्ता को में क्या क्या आदर्श गुण होने चाहिए भूगोल को पढ़ने के लिए तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जानेंगे। एक हम देखते हैं कि परिचय कई एक सेक्शनों में बटा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा हम लोग अध्ययन करेंगे आपका सिलेबस में उसी को मद्देनजर रखते हुए जो चीज आएगा उतना ही हम प्रकाश डालेंगे। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद दूसरा सेक्शन जो मेरा है वो भूगोल के अध्ययन के उपागम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस उपागम को ही हम लोग क्या कहते हैं, विधि तंत्र कहते हैं। जो किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन का विभिन्न प्रकार के उपागम होते हैं तो उसी तरह से भूगोल के अध्ययन के विभिन्न उपागम है तो उसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो दो महत्वपूर्ण अध्ययन है, क्रमबद्ध अध्ययन और दूसरा है प्रादेशिक उपागम, किस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। फिर आगे हम जो मेरा सेक्शन है वो हम देखेंगे भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में है वर्तमान समय में और ये किस तरह से अन्य विषयों से संबंधित है उसी को हम लोग बोलते हैं कि भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। अन्य ज्योग्राफी इज ए सिंथेसिस ऑफ साइंस भी बोला जाता है इसको, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर ज्योग्राफी को ही बोला जाता है, ज्योग्राफी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बोला जाता है, यानी कि भूगोल एक अंतर विषय रूप में जाना जाता है। फिर जो है आगे पढ़ेंगे उसी सेक्शन के अंदर सारा एक ही टॉपिक सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसीलिए हम यही पर लिखे हैं इस टॉपिक के सामने लिखे सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर जो है विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है, आज हम देख रहे हैं कि
संचार के एक की क्रांति के कारण जो है पूरा जो है विश्व जो है एक ग्लोबल विलेज के रूप में तब्दील हो गया है। विश्व के देशों में जो भी घटनाएं घटती है हमको तुरंत क्षण भर में एक माउस या इंटरनेट की मदद से एक बटन दबाते ही सारा सूचना हमको मिल जाता है। तो ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और आगे फिर पढ़ेंगे कि भूगोल का अन्य विषय के साथ क्या संबंध है, क्या भूगोल एक स्वतंत्र विषय है और कि अन्य विषयों से भी उसका संबंध है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि भूगोल का अन्य विषयों के साथ सामाजिक विषय और प्राकृतिक विषय दोनों से इसका संबंध है। तो इन वो एक जो है फिगर के माध्यम से हम समझेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा इसको, और ये दोनों टॉपिक को हम लास्ट में करेंगे। फिर लास्ट टॉपिक मेरा है भूगोल की शाखाएं। तो भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखाओं में बांटा जाता है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। ये दोनों टॉपिक लास्ट में हम लोग करेंगे, अभी हम फिलहाल इतना टॉपिक पर कंसंट्रेट होते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला टर्म यहाँ पर हम देखते हैं कि भूगोल, भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को हम देखते हैं तो ये ज्योग्राफी एक्चुअली ग्रीक वर्ड है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है क्या है, पहला शब्द है जियो और दूसरा टर्म है ग्राफोस। जियो पहला टर्म है जियो और प्लस ग्राफोस। तो जियो का अर्थ बच्चों होता है अर्थ, अर्थ दैट मीन्स पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी अध्ययन करना, अध्ययन करना। इस तरह से अगर शब्दों को अगर वाक्यों में अगर हम उसको बनाएंगे तो हम कहेंगे क्या, पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या है, भूगोल है। इसका हम साथ ही करते हैं, ये हालांकि विस्तृत परिभाषा नहीं है लेकिन एक सामान्य विषय वस्तु को यहाँ पर स्पष्ट करता है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या है, भूगोल है। ये कंप्लीट परिभाषा नहीं है, आगे हम देखेंगे इसको, फिर इसी को आप थोड़ा सा अगर विस्तृत विस्तार करेंगे, इसी को हम क्या बोले, पृथ्वी का अध्ययन करना। इसी को और थोड़ा सा और विस्तार दें तो कहेंगे हम क्या, पृथ्वी को मानव निवास के रूप में अध्ययन करना ही क्या है, भूगोल है। तो ये टर्म जो है सर्वप्रथम किसने दिया था, ये ज्योग्राफिक टर्म हम समझेंगे बच्चों की यहाँ पर। ये तो हम परिभाषा देखें, सामान्य परिभाषा देखें, अब हम देखेंगे ज्योग्राफी शब्द आया कहां से। तो हम अभी तुरंत बताया कि ज्योग्राफी शब्द एक्चुअली ग्रीक वर्ड है, ग्रीक को ही यूनानी, जैसा कि हम लोग जानते हैं प्राचीन समय में यूनानी सभ्यता का विकास हुआ था तो इसको यूनानी भी कहते हैं। उसे प्राचीन सभ्यताओं में देखेंगे और भूगोल में खास करके देखेंगे रोमन और यूनानी सभ्यताओं का काफी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राचीन काल में जो है यही दोनों सभ्यताओं ने भूगोल का विकास किया है। तो ये जो टर्म आया है यूनानी शब्द है, यूनान से आया है, उसी को अभी वर्तमान समय में ग्रीक भी बोलते हैं, ग्रीस यूनान सब एक ही है। तो ये ग्रीक वर्ड है और इस शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया था कौन, इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। ये ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया गया था किसके द्वारा, इरेटोस्थनीज के द्वारा, इरेटोस्थनीज। और ये एक पुस्तक लिखे थे ज्योग्राफिया, इनकी जो पुस्तक थी ज्योग्राफिया, और इसमें इस बुक में इन्होंने जो है पृथ्वी का जो है विस्तृत एवं व्यवस्थित वर्णन किया था। इसीलिए इरेटोस्थनीज को जो है भूगोल का व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। तो बच्चों तुम लोग से अगर पूछा जाएगा कि व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है तो आंसर तुम लोग को क्या बताना है, इरेटोस्थनीज बताना। लेकिन अगर सिर्फ अगर आपसे पूछा जाए कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है तो आपको वहां पर इरेटोस्थनीज नहीं बताकर के आपको क्या बताना है, किकेटियस,
ईकेटीएस। इनकी पुस्तक है जेस पीरियोडस। तो हम देखेंगे कि एडोस्टेनिस से पहले का विद्वान ये भी यूनानी है और ये 520 बीसी में ये पुस्तक लिखे हैं। 520 बीसी में, बीसी का मतलब हुआ ईसा पूर्व, 520 ईसा पूर्व। कहने का मेरा मतलब है कि यदि जो 2020 चल रहा है उसमें से आप 520 को और क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तब हमारा वर्तमान समय से उतना वर्ष पीछे की बात कर रहे हैं। तो उस समय जो हेकेटियस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी देश पीरियोडस, तो उसमें जो है पृथ्वी का इन्होंने वर्णन किया था। हालांकि वो क्रमिक अध्ययन नहीं था, व्यवस्थित अध्ययन नहीं था, लेकिन उसमें पृथ्वी का वर्णन था। इस वजह से भूगोल को जो है प्रारंभिक रूप से अध्ययन करने का काम हेकेटियस के द्वारा किया गया है, इसीलिए इनको जो है भूगोल का पितामह कहा जाता है। यहाँ बच्चों दोनों में क्या अंतर है, तो यहाँ बोल रहे हैं क्या 520 बीसी की बात कर रहे हैं और यहाँ बोल रहे हैं क्या 234 बीसी की बात कर रहे हैं। ये है टाइम पीरियड में अंतर, थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे ये इनसे पहले का, इसलिए इनको भूगोल व्यवस्थित भूगोल इनको भूगोल का पिता कहा जाता है हेकेटियस को, और इनको व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। लेकिन बच्चों एक और भी तुमको टर्म अगर आएगा, जैसे कहेगा तुमको कि आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भूगोल का कहने का मेरा तात्पर्य है कि वर्तमान जो है वर्तमान समय में 18वीं शताब्दी के बाद जो भूगोल में विकास हुआ है तो उसको हम कहेंगे आधुनिक भूगोल। तो आधुनिक भूगोल को अगर पिता अगर तुमसे पूछा जाए तो इसमें अंतर तुम्हारा बदल जाएगा, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। तो वहां पर एक दूसरा नाम आ जाता है क्या, हम्बोल्ट एवं रिक्टर, हम्बोल्ट एवं रिक्टर। आगे हम देखेंगे बच्चों कि भूगोल को एक वैज्ञानिक रूप, आधुनिक समय में भूगोल को एक वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का काम हम्बोल्ट और रिक्टर के द्वारा किया गया, इसीलिए इन्हें आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। तो यहाँ पर तीन तरह के पिता हम लोग पढ़े बच्चों, भूगोल का पिता, व्यवस्थित भूगोल का पिता, आधुनिक भूगोल का पिता। ये तीन प्रश्न यहाँ से बस बन सकता है। और बच्चों हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं तो कम से कम भूगोल का पिता किसे कहा जाता है ये जानना चाहिए हम लोग को, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का पिता होता है, तो हम लोग भूगोल का पिता यहाँ पर बच्चों जाने। दूसरा हम आगे आएंगे तो हम यहाँ पर बता रहे थे भूगोल की एक सामान्य परिभाषा दिए थे, भूगोल ज्योग्राफी को तोड़ करके जियो प्लस ग्राफोस कर के हम उसका डिफिनेशन दिए थे। अगर हिंदी में अगर देखा जाए तो अगर इसको कैसे परिभाषित करें, भूगोल जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और गोल। भू मतलब होता है क्या पृथ्वी, और गोल मतलब उसी गोलाकार आकृति से है। तो अगर इसको शब्दों को अगर वाक्यों में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहेंगे, गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या है, भूगोल है। अगर हिंदी में अगर भूगोल को अगर तोड़ करके शब्दार्थ को अगर ध्यान रखते हुए भूगोल को परिभाषा दिया जाए तो हम ये करेंगे। अब जो है भूगोल में अध्ययन क्या चीज का हम लोग करते हैं, तो भूगोल में दो कंपोनेंट का विशेष भूमिका होती है, जिसमें एक होता है मानव और दूसरा क्या होता है प्रकृति। पहले प्रकृति और पहला कंपोनेंट प्रकृति और दूसरा मानव, यही दोनों कंपोनेंट का हम लोग क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। इसी को हम लोग बोलेंगे कि क्या मानव और पर्यावरण के बीच जो अनुनासय संबंध है उसी का अध्ययन हम लोग भूगोल में करते हैं। तो एक सामान्य परिभाषा बच्चों हम लोग को निकल के यहाँ पर आया कि प्राचीन काल में जो है क्या है जो है प्रकृति को विशेष ध्यान दिया जाता था। आगे हम देखेंगे विचारधारा में पढ़ेंगे तो वहां पर और स्पष्ट होगा। और बाद के कालों में फिर देखेंगे 18वीं शताब्दी के बाद जो है मानव का हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ गया औद्योगिक क्रांति के बाद, तब यहाँ पर जो है फिर मानव प्रकृति के बीच संतुलन की बात कही गई एकदम निश्चय बाद में। तो ये बच्चों यहाँ पर हम देखें कि प्रकृति का भी अध्ययन भूगोल में करते हैं और मानव का भी अध्ययन करते हैं। अब और दूसरे ज्योग्राफर हैं, कुछ जो दूसरे ज्योग्राफर हैं उनके द्वारा भी कुछ परिभाषा दी गई, उन परिभाषाओं को हम नजर दौड़ाए तो हम लोग देखेंगे कि उनकी परिभाषा क्या कहती है। तो एक ज्योग्राफर है
रिचर्ड हॉडसन उनके द्वारा कहा गया है कि भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय भिन्नताओं का भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय भिन्नताओं के वितरण और व्याख्या से संबंधित है। यानी ये जो है बल क्या दे रहे हैं क्षेत्र, तो ये शुरू से ही रहा है। पहले क्या था, भूगोल में अध्ययन किसी से करते थे, भूगोल में हम लोग क्या व्याख्या और वर्णात्मक चीजों पर ज्यादा बल देते, किसी भी चीज को हमने जो देखा उसी को वर्णन करके वही समझिए भूगोल हो जाता था। और भूगोल पहले स्वतंत्र विषय नहीं था, भूगोल का अध्ययन हम लोग इतिहास के साथ ही किया करते थे। और हम लोग जैसा जानते हैं कि भूगोल और इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था भी भूगोल पर निर्भर करती है। आगे हम देखेंगे अन्य सामाजिक विज्ञान से किस तरह से भूगोल जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। तो धरातल अगर हम देखते हैं, अगर हम यही पर भारत का ही एग्जाम्पल लेके अगर हम देखते हैं, बच्चों यहाँ पर हम भारत का एक और डायग्राम बनाए हैं। तो क्षेत्रीय विभिन्नता से हम तो थोड़ा सा तात्पर्य को समझना पड़ेगा। क्षेत्रीय विभिन्नता किसको कहते हैं, तो अगर भारत को ही अगर हम सरसरी निगाह से देखते हैं तो क्या भारत में सभी जगह स्थलाकृति या सामाजिक आर्थिक स्थिति सभी जगह एक प्रकार है, तो हम कहें कि नहीं। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। दक्षिण में देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है, पठारी भाग है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है, बच्चों मैदान है। तो इसलिए स्थलाकृति के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो एक तरफ पर्वत है, दूसरा तरफ मैदान है, तीसरा तरफ पठार है, और वही तटीय भागों में भी मैदानों का थोड़ा सा विस्तार हुआ है। ये हम देखेंगे, ये भी मैदान ही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरा भारत जो है क्या है, क्षेत्रीय विभिन्नता है उसमें। सामाजिक आर्थिक स्थिति भी जब अलग अलग जगहों की अलग अलग है, और यहाँ पर क्षेत्र का विकास भी अलग अलग प्रकार से। जैसे अगर हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत में देखेंगे तो यहाँ पर उद्योग धंधों का विकास ज्यादा हुआ है। विकास होने के पीछे कुछ कारण है, और इसी वजह से इन क्षेत्रों में क्या है, उद्योग धंधों का ज्यादा विकास हुआ। यहाँ विकास होने का सर्वप्रमुख कारण ये क्या है कि प्राचीनतम जो प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें हैं, और प्री कैम्ब्रियन की चट्टान जानते हैं हम लोग की खनिज संपदा से वो काफी जो है संपन्न होती है। इस वजह से खनिज संसाधनों को मिलने से और समुद्र की निकटता के कारण, जब जानते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी है, इधर अरबियन सी है, तो समुद्र की निकटता भी है और खनिज संसाधन भी मिल रहे हैं। तो दो को विकास के लिए दो महत्वपूर्ण फैक्टर के फैक्टर और भी है, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण फैक्टर है, और इस वजह से इस क्षेत्र के विकास के लिए उनको अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। वही अगर हम देखते हैं मैदानी भाग को देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि विभिन्न प्रकार की जो है सिंधु नदी बहती है, बच्चों जानते हैं सिंधु नदी बहती है, फिर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, फिर गंगा नदी। तो देखते हैं उत्तर भारत में तीन महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी नदियों का विस्तार है, और इनके द्वारा जो तलछट मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी लाया उनके द्वारा मैदान का निर्माण किया गया है। और मिट्टी की बहुलता के कारण इन क्षेत्रों में क्या है, कृषि का विकास यहाँ पर ज्यादा हुआ। अगर हम देखते हैं, अगर फसलों को अगर हम देखते हैं तो अधिकतर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन यही क्षेत्रों में होता है। अगर चावल के उत्पादन में देखते हैं तो वेस्ट बंगाल एक नंबर पर है, उसी तरह से गेहूं के उत्पादन में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश एक नंबर पर है, उसी तरह से अगर हम देखते हैं उत्पादकता के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो पंजाब हरियाणा जो है उत्पादकता के दृष्टिकोण, यानी कि देख रहे हैं कि उत्तर का मैदान जो है क्या है कि कृषि के लिए अनुकूल परिस्थिति, यहाँ उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थिति, यहाँ पर कृषि के लिए अनुकूल परिस्थिति। लेकिन वही अगर उत्तर भारत में देखते हैं, ये जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो राज्य को हम देख रहे हैं, तो इन क्षेत्रों में क्या है पर्यटन पर्वतीय क्षेत्र रहने के कारण जो है क्या है यहाँ पर पर्यटन उद्योग का विशेष यहाँ पर विकास किया गया, साथ साथ में यहाँ पर बगानी कृषि का भी विकास किया गया है। यहाँ पर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर रोपण कृषि वगैरह का ज्यादा विकास हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्या क्षेत्रीय विभिन्नता, तो यही
ये जो रिचर्ड हॉटसन का जो परिभाषा है कि भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विविधताओं के वितरण कहाँ कहाँ पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन है और वितरण वितरण और व्याख्या से संबंधित है, यानी कि क्षेत्रीय विविधता है तो क्षेत्रीय विविधता के क्या कारण है, तो उसका ये अध्ययन करना ही क्या है भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चों ये परिभाषा को रिचर्ड हॉटसन को एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझाने का प्रयास किया। अब हम आगे देखेंगे कि एक दूसरे ज्योग्राफर हैं जिनको अल्फ्रेड हेटनर के नाम से जाना जाता है और इनके द्वारा जो परिभाषा दिया गया है कि भूगोल पृथ्वी के विभिन्न भागों में कार्य कारण संबंध का अध्ययन करता है। ये जो है इनकी परिभाषा अल्फ्रेड वेगनर की परिभाषा जो है भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने का काम करता है, क्योंकि भूगोल में जो भी चीज को अध्ययन हम करते हैं तो भूगोल में कोई भी घटना घटते हैं तो उसके पीछे हम कारण और उसके इफेक्ट को जरूर हम लोग पढ़ते हैं, तभी है जो विषय की जो है समझ हम लोग को ज्यादा होती है। तो ये परिभाषा जो है वैज्ञानिक परिभाषा, इसको और आगे हम देखेंगे कि ये पढ़ेंगे टॉपिक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में आगे हम वही पढ़ेंगे तो ये और ज्यादा स्पष्ट होगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं परिभाषा, बच्चों हम देख लिए और उसके बाद हम परिचय थोड़ा सा देखे उसकी अर्थ समझे, पहले आकृति थोड़ा सा देख लेते। जैसे बच्चों तुम लोग से ही पूछते हैं कि क्या पृथ्वी की आकृति कैसी है, तुम लोग ही बताओ। तो बच्चों मैक्सिमम बच्चों तुम लोग का आंसर होगा गोलाकार, लेकिन पृथ्वी की आकृति गोलाकार नहीं होती है, उसको विशेष नाम दिया जाता है। पृथ्वी की आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोड बोलते हैं, जियोड। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भूभाग कहते हैं। ये क्या है, क्या होती है, अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो जियोड या भूभाग कहेंगे, कि जियोड ऐसे लिख देता है, रोमन में ही लिख देता है जियोड ऐसे करके, ठीक है। तो आप लोग समझे, हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी अगर बोला जाएगा तो उसको भूभाग बोलेंगे, ऐसे भी चलता है हिंदी अंग्रेजी दोनों चलता है जियोड। और अगर पृथ्वी का अगर आकृति अगर तुम लोग से पूछा जाए तो जियोड तो बोलोगे ही, अगर आप थोड़ा सा दूसरी भाषा में कहेंगे तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्लेट स्फेरॉइड, हिंदी इसका थोड़ा टफ है, लघुवज गुलाब। अगर ये भी रहेगा तो ये भी अच्छा, अगर चॉइस नहीं रहेगा तो ये बनाएगा, नहीं रहेगा तो ये बनाएगा, ठीक है। दोनों चीज हम देखेंगे, वही चीज है ये गुलाब ऑब्लेट लघुवज गुलाब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो है पृथ्वी जो है क्या है, ये इस प्रकार से है, ये ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा चिपटी है और ये वाला पार्ट जो है ऐसे है। हम देखते हैं अगर इसको इस तरह से करते हैं तो पृथ्वी का अगर हम त्रिज्या देखेंगे, त्रिज्या कहें या पूरा अगर कहेंगे तो डायमीटर कहेंगे, तो देखेंगे कि जो ध्रुवीय डायमीटर है इसकी लंबाई कम है बनिस्पत की विषुवत रेखीय डायमीटर, विषुवत रेखा पर उसकी चौड़ाई ज्यादा है और ध्रुवीय यहां पर कम है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोड से बोलते हैं, लघुवज गुलाब बोलते हैं। थोड़ा सा था इसलिए हम बता दें, क्योंकि पृथ्वी हम पढ़ रहे हैं और इसमें पृथ्वी का ही अध्ययन करते हैं तो बच्चों पृथ्वी की आकृति कम से कम हमको जानकारी होना चाहिए। तो ये हो गया, उसके बाद फिर हम भूगोल का पिता हम लोग पढ़ लिए, परिभाषा पढ़े। अब हम बच्चों पढ़ेंगे कि भूगोल का विकास किस तरह से हुआ। तो जैसा कि थोड़ा देर पहले हम बता रहे थे कि प्राचीन समय में भूगोल का विकास में जो है रोमन और यूनानी और रोमन भूगोलवेताओं का विशेष योगदान है। ये प्राचीन समय में हम अगर देखते हैं तो 600 बीसी से लेकर 300 बीसी तक का काल जो है शून्य काल, इसको आप लोग थोड़ा सा एक समझ विकसित होगा कि क्या है। तो विकास में हम देखते हैं कि 600 बीसी से लेकर 300 एडी तक, 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के काल को अगर देखते हैं तो भूगोल का चिन्ह संवत्कालीन काल कहा जाता है, क्योंकि भूगोल में प्रारंभ में इन्हीं कालों में विकास हुआ, इसके पहले भूगोल भौगोलिक भूगोल में विकास नहीं हुआ था। तो इस समय जो है विभिन्न प्रकार के जो है
बहुत सारे जो है यूनानी लेता थे, थेल्स, एलेक्जेंडर, ये आपको अभी बताया प्लेटोस्थनीज है ना, बहुत सारे हैं, इकेटियस, इन सब के द्वारा जो है शुरू में प्रारंभिक तौर पर विकास किया गया था। लेकिन बाद में देखेंगे कि 600 ईस्वी जैसे ही आता है तो भूगोल में जो है 600 से 1200 का काल जो होता है क्या है कि भूगोल के क्षेत्र में बहुत विकास नहीं होता है, क्योंकि इस समय जो है धर्म आधारित विषयों को ज्यादा बल दिया जाने लग जाता है, ऐसे से भूगोल का बहुत ज्यादा विकास नहीं होता है। तो ये जो है भूगोल का निकाल जो कहा जाता है 600 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का। लेकिन इस दरमियान हम देखते हैं कि 1000 ईस्वी और 1200 ईस्वी तक जो है अरब भूगोलवेताओं के द्वारा कुछ इस पे भूगोल के क्षेत्र में कुछ विकास किया गया, जिसमें अल मसूदी और इब्न खालदून ये सब वैज्ञानिक लोग का नाम आता है। जैसे अल मसूदी के द्वारा जो क्या मानसून जो टर्म हम लोग मानसून शब्द जो पढ़ते हैं, तो मानसून शब्द किसके द्वारा दिया गया है, अल मसूदी के द्वारा। और अल मसूदी क्या थे, अल जो है अरब भूगोलवेता थे, तो अरब के द्वारा भी जो है 1000 से 1200 ईस्वी तक का थोड़ा सा विकास होता है अरबों के द्वारा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रोमन साम्राज्य का और यूनान साम्राज्य का युद्ध पतन हो जाता है, और फिर अरब में जो है ये जो है मुस्लिम शासन का जो है एक प्रादुर्भाव होता है, जिसकी वजह से भूगोल को भी जो है रोमन और जो यूनानी सभ्यता के द्वारा जो बुक था उसका जो है ट्रांसलेट करके जो है कुछ जो है भूगोल की विषय वस्तु को बढ़ाने का काम किया, तो अरब भूगोलवेताओं का भी काम है। बाद में फिर हम देखेंगे 1200 के बाद देखेंगे तो बहुत ज्यादा विकास नहीं होता है, और फिर जो है भूगोल में जो है विकास जो है 1200 के बाद में देखते हैं 1300 से लेकर 1700 तक ईस्वी का काल जो पुनर्जागरण के काल से नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि भूगोल को थोड़ा सा फिर से जो है उठ के खड़ा होने का इसको मौका मिलता है, भूगोल को फिर से जो है पुनरुत्थान का काल इसको बोला जाता है। तो इसमें जो है भूगोल फिर से जो है अपनी जो विषय वस्तु थी, अध्ययन की विषय वस्तु थी, उसको फिर से पुनर्जीवित करने का इसको मौका मिलता है। और फिर हम देखते हैं भूगोल में 18वीं शताब्दी जो है आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है, और इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जर्मन भूगोलवेताओं, फ्रांसीसी भूगोलवेताओं, ब्रिटिश भूगोलवेताओं, अमेरिकन भूगोलवेताओं और फिर कुछ रशियन भूगोलवेताओं हैं, तो इनके द्वारा जो है भूगोल के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया गया है। तो इस तरह से अभी वर्तमान समय में जो हम देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में जो है हम्बोल्ट रिटर के द्वारा जो है भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में एक अध्ययन का एक विषय माना गया, और इसीलिए आधुनिक भूगोल का पिता कहा गया। तो ये बच्चों हम लोग जाने कि भूगोल का विकास किस तरह से हुआ, और भूगोल में समय के साथ साथ इसमें क्या होता है कि परिवर्तन, भूगोल परिवर्तनशील विषय है, समय के साथ जो भी सब्जेक्ट उसको लगता है कि इसको भूगोल से इसका जुड़ाव है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि भूगोल विषय में जो उन सूचनाओं और ज्ञान को हम क्या करते हैं आत्मसात करते हैं, और इसी तरह से भूगोल एक परिवर्तनशील विषय है। तो आगे हम यहाँ विकास समझिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे विचारधारा क्या होती है, विचारधारा पर भी थोड़ा सा देखेंगे। तो देखेंगे प्रारंभिक काल में हम देखते हैं तो भूगोल में जो है क्या प्राकृतिक, शुरू में जो है प्रकृति को श्रेष्ठ माना जाता है और मानव को गौण माना जाता है, प्रकृति को मानव को जो है प्रकृति का दास समझा जाता है, मानव को जो है प्रकृति का अनुसरण करने वाला ही माना जाता है। तो यहाँ पर जो है मानव को गौण स्थान देने के कारण यहाँ पर है कि यहाँ पर तकनीकी ज्ञान नहीं है प्रारंभिक दौर में। मैंने विषयवाद की बात हम कर रहे हैं, विचारधारा को तीन भागों में बांटते हैं, एक को कहते हैं निश्चयवाद, दूसरे को संभववाद और दूसरे को न विषयवाद। तो निश्चयवाद में क्या होता है कि प्रकृति श्रेष्ठ होती है, मानव गौण होती है, यहाँ पर तकनीकी ज्ञान लोगों में कम होता है। तो तकनीकी ज्ञान कमी के कारण जो प्रकृति जिस तरह से कर रही है उसी का हम लोग क्या करते हैं अनुपालन करते हैं, अनुसरण करते हैं। लेकिन बाद के कालों में देखेंगे कि फ्रांसीसी ज्योग्राफर जो है वाइडर डिला लासे के द्वारा जो है ये जो है संभववादी विचारधारा का जो है सूत्रपात किया है, और इसमें देखेंगे मानव प्रकृति का दास नहीं है, मानव के लिए प्रकृति बहुत सी जो है क्या है उसको विकल्प देता है, और ये मानव पर निर्भर करता है कि उन संभावनाओं को किस तरह से उसका उपयोग करे, मानव उपयोग करने के लिए क्या है स्वतंत्र है यहाँ। तो यहाँ पर मानव क्रियाशीलता
संभव बाद में क्या हो जाती है कि क्रियाशीलता इसकी बढ़ जाती है और भूगोल की विषय वस्तु जो पहले जो है प्राकृतिक प्राकृतिक कहने का मतलब जो प्रकृति पदार्थ प्रकृतिक या भौतिक भी बहुत जगह लोग बोलते हैं कि जैसे भौतिक भूगोल बोलते हैं तो भौतिक भूगोल का मतलब क्या जो प्रकृति पदार्थ जो चीजें हैं उन चीजों का शुरू में अध्ययन हम लोग ज्यादा करते थे लेकिन बाद में 18वीं शताब्दी में जो है वाइडर लीला उलासी के द्वारा जो संभववादी विचारधारा का सूत्रपात किया तब जो है मानव को भी जो है केंद्रीय स्थान दिया गया और मानव को केंद्रीय स्थान देकर भूगोल का अध्ययन किया जाने लगा क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो क्यों अध्ययन करते हैं प्रश्न उठता है पृथ्वी का अध्ययन क्यों तो मानव का निवास स्थान है तो मानव को ये जानने का हक है कि हमारे इर्द गिर्द क्या घटनाएं घट रही है अगर उन घटनाओं को सही से अगर मानव मूल्यांकन करेगा और फिर उसी के अनुसार अगर किस तरह की अगर हम वातावरण में किस तरह का हस्तक्षेप कर रहे हैं तो अगर वो उसका जो है हमारे ऊपर अगर उसका प्रभाव अगर देखने को मिलता है तो फिर जो है हम क्या करेंगे उसको बैलेंस करने का काम करेंगे। जैसे अभी जो है औद्योगिक क्रांति के बाद देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो है उद्योग धंधों का विकास तीव्र गति से औद्योगिकरण नगरीकरण से क्या हुआ है और तकनीकी ज्ञान से क्या हुआ है कि संसाधनों का हम लोग दोहन करने लग गया दोहन करने से क्या पर्यावरण धीरे धीरे प्रदूषित हो रहा है। अभी जो है ग्लोबल वार्मिंग जो जिस समय अगर हम अभी डाटा अक्सर जो है IPCC का डाटा आते रहता है एक साल तो उसमें अगर हम देखते हैं तो मूल्यांकन करते हैं तो देखते हैं कि 1 से 1.5 डिग्री टेम्परेचर जो जिस समय औद्योगिक काल शुरुआत हुई थी औद्योगिक काल कहने का मेरा मतलब है कि 18वीं शताब्दी के पूर्वाध काल है 1750 के गिर्द की काल को अगर देखेंगे तो उस समय जो वातावरण का जो तापमान था उससे 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ये जो प्रकृति का ह्रास होने के कारण ही है वर्तमान समय में देखिए ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है ओजोन परत का डिप्लेशन हो रहा है क्षय हो रहा है फिर धीरे धीरे मानव की जनसंख्या बहुत अधिक तीव्र गति से बढ़ रही है तो क्या है और संसाधनों का दुरुपयोग करें वनों को काट रहे हैं तो जल स्तर भी धीरे धीरे फिर क्या है पानी का उपयोग ज्यादा करेंगे जल स्तर ऑटोमेटिक है कि नीचे गिरेगा फिर क्या देख रहे हैं बच्चों हम आसपास में देखते हैं तो मृदा का क्षरण हो रहा है कभी देखते हैं अनियमित वर्षा अधिक होती है तो कभी वर्षा होती ही नहीं है कभी वर्षा होती तो बहुत मूसलाधार वर्षा होती है इससे भी मिट्टियों का है अपरदन होता है तो ये सब बहुत से कारक है जो हमको भूगोल में समय के साथ साथ इन विषय वस्तु को भी हम अध्ययन करते हैं। तो निश्चय बात का संकल्प ये तो बच्चों हम लोग पढ़े क्या संभव निश्चय बात क्या निश्चय बात क्या करता है एक में कहा जाता है प्रकृति ही सब चीज है एक को दूसरे में कहा जाता है संभववाद में निश्चय बात में कहा प्रकृति ही क्या श्रेष्ठ है इसमें मानव से लेकिन तीसरा जो परिभाषा है निश्चय बात की परिभाषा तो इसमें जो है दोनों में क्या के दोनों के अतिवाद सोच को हम हटा करके दोनों को जो है एक मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए भूगोल जो है ना तो प्रकृति श्रेष्ठ है ना तो मानव श्रेष्ठ है दोनों जो है एक दूसरे पर क्या है निर्भर है दोनों अगर मानव जो है प्रकृति के ऊपर ही कंप्लीट रूप से निर्भर है इसलिए जो भी आविष्कार वगैरह करते हैं प्राकृतिक जो नेचुरल लॉ होते हैं उसको ध्यान में रखकर ही कोई भी आविष्कार किया जाता है ये नहीं कि अंधाधुंध हम उसका उपयोग करें और वो प्राकृतिक लॉ से छेड़छाड़ करें। तो इस तरह से बच्चों हम देखेंगे कि ये जो निश्चयवाद की संकल्पना है दोनों में संतुलन का काम करने का काम आगे हम देखेंगे भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है तो भूगोल एक वैज्ञानिक विषय क्यों है क्योंकि भूगोल में जो है हम क्या करते हैं भूगोल में थोड़ा सा बच्चों भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय क्यों करते हैं क्योंकि भूगोल में हम किन किन चीजों को हम लोग खोजने का प्रयास करते हैं क्या कहां क्यों ये सब प्रश्न जो है हमको क्या करता है भूगोल देता है से कोई भी घटना घटित से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के ही बारे में एक एग्जाम्पल हम उदाहरण लेते हैं यहां पे हिमालय की उत्पत्ति मानी जाए तो सबसे पहले बच्चों
एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे कि भूगोल कैसे एक विज्ञानिक वैज्ञानिक विषय है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक एग्जाम्पल के ही माध्यम से समझेंगे। तो पहला हम लेते हैं कि जैसे हम ये कि हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे दिमाग में जाएगा कि क्या पहले जाएगा कि हिमालय, हिमालय किस चीज का नाम है, मानी इसकी क्या विशेषता है, उसकी उसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि ये हिमालय। तो बच्चों सबसे पहला क्या है कि क्या है की परिभाषा देता है, हिमालय क्या है। तो क्या है बच्चों, ये क्या है, बलित पर्वत है, ये पर्वत है। और किस प्रकार का है, तो किसका भी उदाहरण देता है, किस प्रकार का उदाहरण, किस चीज का उदाहरण। फिर कैसे का भी जवाब देता है, तो किस प्रकार का है, तो ये बलित पर्वत है। हम पढ़ेंगे आगे कि विभिन्न प्रकार के पर्वत है, उसमें एक जो है बलित पर्वत है। तो बलित पर्वत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, तो ये बलित पर्वत है। फिर हम देखेंगे कि हिमालय का विस्तार कहाँ पर है। तो हिमालय का विस्तार बच्चों सबसे पहले मेरे दिमाग में गए कि हिमालय कहाँ पर आकर स्थित है। तो हिमालय की स्थिति देखेंगे तो भारत के उत्तर में, ये हम जो अभी बताए क्या है हिमालय के उत्तर, इसका विस्तार जो है देखते हैं तो क्या है तिब्बत में है, नेपाल में है, भारत में है, और ये थोड़ा सा म्यांमार वगैरह में। तो इसका विस्तार हम देखे भाई कि कहां पर है। दूसरा हमको जवाब दिया क्या है, तो बलित पर्वत, पर्वत है, किस प्रकार का है, तो बलित पर्वत है। फिर कहां उसकी अवस्थिति है, तो उसकी अवस्थिति का भी जवाब दिया कि भारत की क्या है, उत्तर साइड में। और क्या है इसकी और क्या महत्वपूर्ण विशेषता, ये उत्तर से आने वाली ध्रुवीय जलवायु को भारत में प्रवेश करने से रोकती है, और इसके वजह से इसको जो है क्या कहते हैं हम लोग, ये निर्धारक का काम करता है। अगर हम देखते हैं इसका भारत का अगर विस्तार देखते हैं, तो इसका आधा विस्तार जो है उसको कटिबंध में है, यहाँ से एक है और यहाँ से शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको बोलना रहता है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय रहने के कारण जो है इसके पीछे कारण क्या है, हिमालय पर्वत की वो अवस्थिति है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग समझे कि कहाँ अवस्थित है। अब तीसरा हमको जवाब क्या देता है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हिमालय की पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो बच्चों हम ज्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित दो प्रकार के सिद्धांत दिए गए। एक कोवर का भूसन्नति सिद्धांत है, जिसमें कहा गया है कि जहां पर आज हिमालय थी वहां पर पहले क्या था, पिंजी सागर था, और उत्तर और दक्षिण से जो उत्तर में अंगारा लैंड थी और दक्षिण में गुंडवाना लैंड थी, दोनों तरफ से क्या है विभिन्न प्रकार की नदियों के द्वारा वहां पर अवसाद का जमा करते गया, और वो अवसाद का जमा करने से धीरे धीरे उसमें धसान हुआ, और जमा हुआ और धसान हुई क्रिया साथ साथ होते हुए, और बाद में कालांतर में उसमें क्या हुआ, दबाव पड़ा, और इसकी वजह से वहां पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो ये पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कहता है कि नहीं, अभी जो आधुनिक सिद्धांत है उसके अनुसार कहना है कि नए प्लेट के अभिसरण के कारण से जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट को आपस में टकराने से वहां पर क्या हुआ, एक भारी प्लेट के नीचे जाने से एक का सबडक्शन हुआ, दूसरे के ऊपर उसका जो है सबडक्शन नीचे में सबडक्शन जोन में उसको पिघलने से दूसरे प्लेट पर उसका दबाव पड़ने के कारण फिर वहां पर क्या हो गया है, बलन हुआ है। और वही बलन जो है अभी वर्तमान समय में हिमालय अवस्थित है। और ये बलन जो तीन रूपों में देखते हैं, जल हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के रूप। तो बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं भूगोल वह क्या है, वैज्ञानिक विषय के रूप में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो बच्चों समझ गए हम लोग कि हम लोग क्या कहाँ और क्यों पर हमारा विशेष फोकस रहता है, और यही भूगोल को जो है वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिपादित करने का काम करता है। और यही परिभाषा हम देखते हैं अल्फ्रेड हेक्टर के द्वारा की भूगोल पृथ्वी के विभिन्न भागों में काट कारण संबंध का अध्ययन करता है। अब बच्चों ये परिभाषा और यहाँ से ये पूरा स्पष्ट बातें होती है। अब हम देखते हैं बच्चों की एक भूगोल वेता का क्या गुण होना चाहिए। तो एक भूगोल वेता का एक गुण होना चाहिए, भूगोल में क्या है, हम मानचित्रों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। अगर और विशेष प्रकार के डाटा को एनालिसिस एक भूगोल वेता को जो भूगोल का अध्ययन कर रहा है, तो उसमें डाटा जो है उसको एनालिसिस करने का गुण होना चाहिए, और डाटा को एनालिसिस करके निष्कर्ष निकालने का उसमें हुनर होना चाहिए। तो उसको एक डाटा का एनालिसिस का गुण होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि उसको मानचित्र बनाने की कला भी जानना चाहिए। एक बच्चों मैप अपने आप में एक क्या है, उसमें
माने जीवा नहीं है लेकिन वो अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। तो एक जैसा हम अभी उदाहरण के द्वारा यहाँ पे समझाने का प्रयास किए एक मैप के जरिए, तो एक मानचित्र बनाने का उसमें गुण होना चाहिए और उसमें कुछ कला भी होना चाहिए, थोड़ा हेडिंग वगैरह और उसके बाद थोड़ा उसमें जो है अच्छा से कोई भी चीज को लिख सके, है ना। तो ये सब उसका गुण होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें गणित ज्ञान होना चाहिए। अगर गणित का ज्ञान अगर रहेगा तो छात्र छात्र रेखाओं को बढ़िया से कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि किसी भी स्थिति को प्रकट करने के लिए छात्र छात्र रेखाओं को समझना आवश्यक है। और ये क्या है, गणितीय विधि के द्वारा इसको हम अध्ययन करते हैं। चलिए ये समझ गया हम लोग। अब बच्चों ये पूरा एक जो कंप्लीट था परिचय ये समझ गए। अब हम आगे आएंगे भूगोल के अध्ययन के उपागम क्या है। तो भूगोल के अध्ययन के उपागम बच्चों, अध्ययन के उपागम को हम या उसी को विधि तंत्र कहते हैं। तो दो उपागम के को हम लोग को पढ़ना है, एक को कहते हैं क्रमबद्ध उपागम और दूसरे को क्या बोलते हैं, उपागम करते हैं। तो क्रमबद्ध उपागम उपागम में क्या कहता है कि पूरा भूगोल पूरा पृथ्वी को एक यूनिट मानकर वो एक भौगोलिक तत्व को लेकर अगर हम अध्ययन करते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध उपागम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पूरा पृथ्वी को विभिन्न प्रदेशों में बांटकर अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रादेशिक उपागम कहते हैं। यहाँ फिर से एक बार सुनिए बच्चों, क्रमबद्ध उपागम क्या कहते हैं कि पूरा पृथ्वी को एक यूनिट मानकर अगर मेरा पूरा वैश्विक दृष्टिकोण है पूरे विश्व स्तर पर मेरा, तो पूरा पृथ्वी को ही हम क्या मानेंगे, एक यूनिट मानेंगे और कोई एक भौगोलिक तत्व को लेकर हम अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। जैसे माने जाए कि हमको अध्ययन करना है ज्वालामुखी अध्ययन करना है, तो ज्वालामुखी को भी तीन प्रकार के होते हैं, क्या कहता सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। तो कहां कहां पर इनकी उपस्थिति है पूरे विश्व ग्लोबल लेवल पे, तो अगर पूरे विश्व स्तर पर अगर उसको अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध उपागम। लेकिन वही पूरा विश्व को विभिन्न प्रदेशों में, प्रदेश में क्या होती है, एक प्रदेश में क्या हो जाती है, समान विशेषताएं पाई जाती है और दूसरे प्रदेशों से उसमें क्या होती है, विभिन्नता पाई जाती है। तो आप जैसे बटसन महोदय ने 13 प्रकार के प्राकृतिक प्रदेश पूरे विश्व को 13 प्राकृतिक प्रदेशों में बांट कर अध्ययन किया था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि पूरे विश्व को बांट देते हैं और फिर वहां पर अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या क्रमबद्ध उपागम को क्या करते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्री को ध्यान में रखा जाता है। जैसे हम यहाँ पर अभी लिए पूरा पृथ्वी का, जैसे कोई देश का भी हम अध्ययन करें तो पूरा एक देश को यूनिट मानेंगे, जैसे भारत ही देश है तो भारत का एक पूरा एक यूनिट हुआ और फिर उसमें जो है विभिन्न प्रकार के चरों का अध्ययन, जैसे विभिन्न प्रकार के भौगोलिक चर होते हैं, भौगोलिक चर या घटक भी बोलते हैं। तो भौगोलिक घटक क्या क्या है बच्चों, जैसा कि आप अभी तक आप लोग पढ़े हुए क्या 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 हो सकता है, पहला हम लोग पढ़ते हैं भौगोलिक चर में स्थलाकृति पढ़ते हैं, दूसरा क्या पढ़ते हैं संरचना उसका पढ़ते हैं, तीसरा बच्चों हम लोग क्या पढ़ते हैं स्थलाकृति संरचना, फिर उसका हम क्या पढ़ते हैं अपवाद तंत्र पढ़ते हैं, फिर क्या हो सकता है उसकी मिट्टी हो सकता है, ये हो गया प्राकृतिक पर। मानव पालन में क्या देखते हैं, नगर पढ़ते हैं, गांव पढ़ते हैं, इसी प्रकार से हम लोग जनसंख्या पढ़ते हैं, उसी तरह से परिवहन साधन पढ़ते हैं। तो ये भौतिक कारक हुए और ये मानवीय कारक हम यहां से, तो यही जो भौगोलिक चर को अगर कोई एक भौगोलिक चर को लेकर अगर हम अध्ययन करेंगे, जलवायु भी हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे हम इसको क्रमबद्ध, जैसे एक मॉडल के द्वारा भी हम समझ सकते हैं और थोड़ा स्पष्ट होगा बच्चों इसलिए समझे। इसलिए क्या लिए हम भौगोलिक चर, भौगोलिक चर और यहां पर हम विभिन्न प्रकार के प्रदेशों को अगर हम ए बी सी डी मान लीजिए ई प्रदेश,
इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, अगर जलवायु को हम अध्ययन कर रहे हैं और पूरे पूरे पृथ्वी को अगर हम क्या किए हैं एक यूनिट माने हैं और अलग अलग प्रदेश का हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं, संग्रहित रूप से हम अगर अध्ययन करें तो इसको हम क्या बोलेंगे क्रमबद्ध होगा। लेकिन यही अगर दूसरा अध्ययन का तरीका हो सकता है क्या कि हम भौगोलिक क्षेत्रों में नहीं बांट करके हम क्या किए पहले हम क्या किए प्रदेश नहीं बांट, जैसे कोई कोई क्षेत्र है या प्रदेश है जैसे पृथ्वी है तो उसको हम पांच अगर मान जाए कि ये भाग में बांट दिए, भाग में बांट दिए, भाग में बांट दिए, डी भाग में और डी भाग में, और हमको एक भाग का अध्ययन करें मान लीजिए सी का हम अध्ययन कर रहे हैं ये भी इसको अध्ययन करें तो हम क्या देख रहे हैं कि कोई एक प्रदेश को लिए और उसमें सभी भौगोलिक क्षेत्र को लेकर अध्ययन करें जिसको देखेंगे और इसको देखेंगे यहाँ और यहाँ, तो क्या वो एक प्रदेश को लिए और उसकी सभी भौगोलिक जो चर है उसको लेकर अगर अध्ययन करते हैं तो उसको कहेंगे प्रादेशिक उपागम, और अगर सिर्फ एक चर लेकर अगर पूरा यूनिट में अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे क्रमबद्ध उपागम। तो ये मॉडल से आप बच्चों आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलो हम आगे देखेंगे बच्चों इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अंतर थोड़ा सा समझ लेंगे क्या क्या है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में लिखने में आ सकता है। तो ये क्रमबद्ध उपागम का विकास किसके द्वारा किया गया तो ये हम्बोल्ट के द्वारा किया गया, लेकिन वही प्रादेशिक उपागम का विकास किसके द्वारा किया गया तो रीटर के द्वारा किया गया। ये इसमें जो क्रमबद्ध उपागम में क्या एक पोलिटिकल बाउंड्री को ध्यान में रखा जाता है इसमें, लेकिन इसमें क्या है भौगोलिक इकाइयों को ध्यान में रखकर प्रदेश का सीमांकन करते हैं, इसमें भौगोलिक इकाइयों पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें हम लिख दे रहे हैं बच्चों पॉइंट में आपको करते जाएंगे ठीक है कि इसका विकास जो है हम बोर्ड के द्वारा किया जाता है, इसका रीटर के द्वारा किया है। दूसरा हम क्या बोले इसको पूरे पृथ्वी को एक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं लेकिन ये प्रदेश में बांट कर अध्ययन करते हैं। फिर हम क्या बोले यहाँ इसमें जो है राजनीतिक इकाइयों में बांट कर अध्ययन करते हैं और यहाँ पर क्या है भौगोलिक इकाई प्रदेश को भौगोलिक इकाइयों में बांटकर अध्ययन करते हैं। इस तरह से तीन चार प्रकार देंगे बहुत हो जाएगा। ये लिखने के लिए परीक्षा और डीबीआई इस चैप्टर का डीबीआई क्वेश्चन भी है बच्चों लिखने के लिए आप, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उपागम को बढ़िया से समझ गए होंगे। अब जो है भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में ज्योग्राफी इंटीग्रेटिंग साइंस इसको बोला जाता है, ये क्या समाकलन टर्म को समझेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। समाकलन समाकलन का मतलब क्या है जैसे हम लोग पढ़ते हैं डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन है समाकलित करने का काम, मतलब क्या जो ज्ञान जो मेरा है विभिन्न विषयों विभिन्न प्रकार के ज्ञान देता है तो उन ज्ञानों को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इकट्ठे सम्मिलित करके अध्ययन करते हैं। इसीलिए भूगोल और भूगोल जो है एक उसी इसीलिए भूगोल इसको दो संदर्भों में हम लोग पढ़ेंगे। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है, संश्लेषण करता है, संश्लेषण कर क्या करता है वही जो अन्य विषयों में जो ज्ञान है उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर अध्ययन करते हैं। और अंतर विषय इसलिए बोलते हैं कि भूगोल का अन्य विषयों के साथ अंतर संबंधित है, ये प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित भी है, प्राकृतिक विज्ञान मानव विज्ञानों से भी संबंधित है। एक हम इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे बच्चों, फिगर से और बातें स्पष्ट हो जाएगी तो और ज्यादा स्पष्ट होगा। फिर यही विश्व एक परस्पर विवर्तंत्र के रूप में, तो ये थोड़ा सा चर्चा किए थे बच्चों कि आज पूरा जो है सूचना संचार क्रांति के कारण जो है पूरा जो है विश्व जो है क्या एक ग्लोबल विलेज के रूप में तब्दील हो गया है और परिवहन के विभिन्न प्रकार के साधनों का विकास होने से एक जगह से दूसरी जगह और विभिन्न प्रकार के अध्ययनों में हमको सहायता मिली। पहले क्या था कि जो 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 भी आत्मियों के द्वारा जो यात्रा वृत्तांत होते थे वही हमारा क्या धरोहर होता था और वही जो है भूगोल का अध्ययन में सहायक होता था, लेकिन आज कल क्या किसी भी क्षेत्र में कहीं भी तुरंत जा सकते हैं आ सकते हैं, तो इसीलिए कहा था कि पूरा विश्व जो है वैसे ग्राम के रूप में तब्दील हो गया। तो फिर हम बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि भूगोल का विज्ञानों से किस प्रकार से संबंध है और भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो बच्चों